आज के लिए मैंने बोला था कि भगवान राम ने बाली को छिपके क्यों मारा, ये कल मैंने बताया था इतना, लेकिन बोला था कि आज बताऊंगा क्यों छिपके मारा। तो कितने लोग सुनने के इच्छुक हैं, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा, कितने लोग सुनना चाहते हैं? मैया ओ मेरी माँ टाटा, सुनोगी मेरी माँ? मैया यहां वाली मैया टाटा, आवाज आ रही है वहां कि नहीं आ रही है? आ रही है तो हाथ उठा लो। आ रही है, इस तरफ आवाज आ रही है? चलो बढ़िया, सुनो। राम जी ने छिपके क्यों, जबकि राम जी तो भगवान है, उन्हें छिपके मारने की क्या जरूरत थी? इसलिए मारा छिपकर क्योंकि राम जी कुछ कारण है छिपके मारने का, वो कारण मैं सारे रखता हूं, आप समझते चलना। क्या हुआ कि सबसे पहले राम जी सुग्रीव से मिले और जब सुग्रीव से पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहां है, और सुग्रीव ने बताया कि मेरी पत्नी का अपहरण मेरे भाई बाली ने कर लिया, तब राम जी को गुस्सा आ गया। अच्छा ये बताओ, किसी की पत्नी को कोई हर ले और उसके साथ रहने लग जाए, उसके साथ दुराचार करने लग जाए, तो यह सुनकर आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? तो राम जी को गुस्सा आया और राम जी ने उस समय एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा थी? सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी हैं प्राण। वहां राम जी ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि सुनो सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा क्योंकि उसने तेरी पत्नी का अपहरण कर लिया, एक बाण से मारूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा राम जी ने कर ली। अब ये बताओ, राम जी की दूसरी प्रतिज्ञा है, राम जी की पहली प्रतिज्ञा हो गई कि मैं बाली को मारूंगा, ध्यान से सुनना, राम जी की पहली प्रतिज्ञा क्या कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा उसे मैं कोटि विप्र बद लागहिं जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान राम की दूसरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। राम जी की कितनी प्रतिज्ञा हो गई टोटल, जोर से? दो। पहली प्रतिज्ञा बाली को मारूंगा और दूसरी प्रतिज्ञा जो शरण में आएगा उसे छोड़ दूंगा। अब एक बात बताओ, यदि राम जी बाली के सामने जाकर खड़े हो जाते और कहीं बाली राम जी की शरण में आ जाता, तो शरण में आ जाता तो राम जी को बाली को क्षमा करना पड़ता कि नहीं? क्योंकि राम जी बोल रहे हैं कि शरणागत कहूं जे तजही हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय ते नहीं बिलोकत हान। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे क्षमा कर दूंगा, राम जी कह रहे हैं। अब राम जी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं एक बाण से बाली को मारूंगा और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आएगा क्षमा कर दूंगा। यदि बाली राम जी की शरण में चला जाता तो राम जी बाली को क्षमा कर देते कि नहीं, हाँ या ना में उत्तर, जोर से। यदि बाली राम जी की शरण में चला जाता, पांव पकड़ लेता, तो राम जी क्षमा कर देते कि नहीं, जोर से कर देते। और विचार करो कि यदि राम जी बाली को क्षमा कर देते तो सुग्रीव क्या सोचता? सुग्रीव कहता कि राम ने मेरे भाई से हाथ मिला लिया, राम जी ने मेरे भाई से हाथ मिला लिया। और सुग्रीव ये आरोप लगाता क्योंकि राम जी सुग्रीव से क्या कर चुके हैं? मित्रता। और मित्रता क्या कहती है? जो ना मित्र दुख हो या दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी होता है, जो मित्र के सुख में सुखी होता है, वही मित्र है। यदि राम जी बाली के सामने जाते और बाली शरण में आता और राम जी माफ कर देते तो सुग्रीव कहता कि राम जी बाली से मिल गए, राम जी पर मित्र द्रोह का आरोप लग जाता।
कि आपने मित्र द्रोह किया है। मित्र से क्या किया? द्रोह किया। इसलिए राम जी तो धर्म संकट में पड़ गए। राम जी धर्म एक यदि बाली को मारते हैं तो छिपके मारना पड़ेगा, और यदि सामने से मारते हैं और वो शरण में आ गया तो यह सारी जिंदगी सुग्रीव कहेगा कि आपने तो बाली से हाथ मिला लिया। और एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो, गलत व्यक्ति का साथ देने वाला सही होता है कि गलत? जोर से, जोर से। गलत का साथ देने वाला गलत, और बाली अपने भाई की पत्नी का हरण कर चुका था वो गलत था, और राम जी यदि उसके पक्ष में खड़े हो जाते तो राम जी भी गलत हो जाते। इसलिए राम जी ने कहा कि अब क्या करें, धर्म संकट से कैसे निकलें? तो धर्म संकट से निकलने के लिए राम जी ने तीसरा रास्ता निकाला कि पेड़ की ओट में खड़े होकर राम जी ने बाण मारा, बाण मारा और बाली मरा सुग्रीव को। यदि सामने से मारते तो सुग्रीव दिक्कत करता। और राम जी कहते हैं कि जो गलत है उसे मार देना धर्म है। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुनसठ कन्या समयचारी इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई और ताही बधे कछु पापना। पापी को पाप से, गलत को गलत तरीके से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना धर्म है। अधर्मियों के लिए क्या धर्म देखें? यह धर्मी होता तो भाई की पत्नी का अपहरण क्यों करता? इसलिए गलत को गलत तरीके से मार देना कोई अपराध नहीं। इस सिद्धांत के कारण राम जी ने जैसे मरा बस मारा, जैसे महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण को भी गलत तरीके से मारा गया था। जब वो रथ से नीचे उतरे तब अर्जुन को भगवान ने कहा मार, अर्जुन बोले नहीं, रथ से नीचे योद्धा हो तो उस पर वार नहीं करते। भगवान बोले ये धर्म धर्म की बातें बाद में करेंगे, अभी मार। अर्जुन बोले प्रभु ये अधर्म है। भगवान बोले कि ये अधर्म है तो जब इसने कहा छा द्रौपदी आजा तेरे पांच पति हैं छठा मुझे बना ले, तो क्या ये कहना धर्म था? जब इन्होंने अपने जीवन में धर्म का मुंह नहीं देखा तो इनके लिए धर्म का मुंह ना देखा जाएगा। ये तो जैसे मरे मारो, अधर्मी जैसे मरे यही धर्म है। आप धर्मी होते, अब देखो ना गुरु द्रोणाचार्य को भी अधर्म से मारा गया, एक झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, और उस दौरान दृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। गलत तरीके से मारा, क्यों मारा? अधर्म से मारा। गुरु द्रोणाचार्य को क्यों मारा? क्योंकि ये कौन से धर्मात्मा थे? एकलव्य ने इनसे सीख लिया तो इन्होंने अंगूठा मांग लिया था, तो जब एकलव्य से इन्होंने अंगूठा ले लिया तो इन्हें भी गर्दन चुकानी पड़ी गर्दन देके। और इन्होंने कौन सा न्याय किया था? अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया, एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करता पर छह छह सात सात लोगों ने किया, आठ आठ लोगों ने किया। इन्होंने कौन सा धर्म किया? तीसरा भीष्म पितामह को भी अधर्म से मारा गया था। क्यों? शिखंडी को खड़ा कर दिया गया। अब शिखंडी का क्या काम था वहां? खड़ा किया गया। क्यों? क्योंकि पितामह ने भी भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, वो अधर्म था कि धर्म था? जोर से, अधर्म था। उस अधर्म को देखते रहे पितामह, जब तुमने अधर्म के सामने चुप्पी साधी तो तुम्हारे लिए धर्म ना देखा जाएगा। अब तो जैसे मरो बस मरो। दुर्योधन की भी जांघें तोड़ी गई गदा से। गदा युद्ध का नियम है कि जांघों पर गदा नहीं मारते। गलत तरीके से मारा गया। क्यों? इसने कहा था द्रौपदी मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, तुम अधर्मी हो तो अधर्मी को अधर्म से मार दे। सुनो मेरे संग बोलो, अधर्मी को, बोलो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही
धर्म। अरे धर्मात्मा हो तो धर्म से मारे, इनमें से कौन धर्मात्मा थी? इसलिए भगवान ने बाली को भी मारा, क्योंकि यह कौन सा धर्मात्मा था? हां, रावण को मारा है राम जी ने तरीके से, धर्म से। सुग्रीव से पूछा, विभीषण जी से पूछा, कैसे मरेगा? बोले इसकी नाभि में अमृत है, मारा बाण, अग्नि मार दी, अग्नि बाण सूख गया आमने सामने। था तो ये भी अधर्मी रावण, कौन सा धर्मी था? पराई औरत को उठाना कौन सा धर्म है? तो अधर्मी, पर फिर भी औरों की अपेक्षा रावण का धर्म श्रेष्ठ था। रावण ने सीता माँ को चुराया जरूर था साहब, लेकिन एक बात बताओ, क्या दुर्योधन की तरह कपड़े उतारे थे? बोलो, रावण की लंका में सीता मैया सुरक्षित थी। आज की स्थिति यह है, पहले की सीता तो रावण की लंका में सुरक्षित थी, आज की सीता तो गली मोहल्ले चौराहे में, रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन में, और की क्या कहें, मां के पेट में आज की सीता सुरक्षित नहीं है। तब की सीता तो लंका में सुरक्षित थी। और रावण, रावण ने सीता को चुराया जरूर था माता सीता को, पर रावण ने गलत भाव से नहीं चुराया। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि जब रावण सीता मैया को चुराने गया तो रावण ने सीता मैया को मानसिक रूप से प्रणाम किया है, कहा है कि ये जगत जननी है, हे मां मैं आपको लेने आया हूं। प्रणाम किया है रावण ने, कोई भोग की दृष्टि से नहीं। रावण ने तो अपने लंका वासियों का, अपने राक्षसों का कल्याण करने के लिए कि सीता मां को ले जाऊंगा तो राम जी आएंगे और राम के हाथों जितने राक्षस मरेंगे सबका उद्धार हो जाएगा, इसलिए रावण ने यह रचना की, षड्यंत्र रचा। रावण का उद्देश्य अपनी प्रजा का कल्याण करना था, जबकि दुर्योधन का उद्देश्य केवल पांडवों की संपत्ति हड़पना था। रावण, अच्छा बताओ, राम रावण के युद्ध में और महाभारत के युद्ध में कौन सा युद्ध श्रेष्ठ है? जोर से, कौन सा युद्ध श्रेष्ठ है? जोर से, किस युद्ध में ज्यादा लोग मरे थे? महाभारत के युद्ध में ज्यादा लोग मरे या राम रावण के युद्ध में ज्यादा लोग मरे? हाँ, दोनों युद्ध कितने दिन तक हुए? राम रावण का युद्ध कितने दिन हुआ और महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ? सुनो, राम रावण का युद्ध भी 18 दिन था और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन था। महाभारत के युद्ध में लगभग 3 करोड़ लोग मरे, लगभग, जबकि महाभारत के युद्ध में 3 करोड़ लोग मरे, लगभग 3 करोड़, जबकि राम रावण के युद्ध में असंख्यों लोग मरे थे, असंख्य, कोई गिनती नहीं कर सकता। इसलिए राम रावण का युद्ध इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध और सबसे श्रेष्ठ युद्ध था। राम रावण के युद्ध में जितना पराक्रम था, महाभारत के युद्ध में इतने पराक्रमी, अच्छा, राम रावण के युद्ध में तो राम जी लड़ रहे थे, महाभारत के युद्ध में तो भगवान को उठाना ही नहीं पड़ा कुछ, भगवान कृष्ण को कुछ उठाना ही नहीं पड़ा। मतलब बहुत बड़ा युद्ध नहीं था महाभारत का, लेकिन जीत धर्म की हुई और महाभारत के युद्ध से कई गुना। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई ना, तो बाली लंका, भीम भैया लंका गए, और लंका में आपको पता है जब युद्ध होता था तो एक राजा दूसरे राजा से सहयोग मांगता है, अस्त्र शस्त्र मांगता है, सेना मांगता है। तो भीम भैया लंका गए थे विभीषण से सहयोग मांगने के, महाभारत का युद्ध हो रहा है आप भी चलो, और बड़ा युद्ध हो रहा। तब विभीषण जी ने कहा, हो रहा होगा, ये बच्चों का खेल है, हमने तो बड़े बड़े युद्ध देखे हैं। तो बाल्य
भीम भैया को लगा आपने ऐसे युद्ध ना देखे होंगे जैसा होने जा रहा है। विभीषण जी ने कहा जाओ भीम भैया, हमने बहुत बड़ा युद्ध देखा। भीम भैया बोले विभीषण जी चलो, राम रावण से भी बड़ा वाला युद्ध होने जा रहा, चलो देखो। विभीषण जी बोले ना चलो, एक काम करो, ये जो कुंड है पानी से भरा इसमें नहाओ। विभीषण जी ने कहा भीम भैया से, भीम जरा ये कुंड में नहाओ और नहाकर जरा इसके नीचे पानी में गहराई में उतरो और बताओ कि कितने गहराई में तुम्हें पानी का अंत मिला, मतलब जमीन मिली, कुछ अंतिम छोर मिला। भीम भैया ने कपड़े उतारे, छलांग मारी और भैया पूरी ताकत लगा दी भीम भैया ने, पर उस कुंड के पानी में जो नीचे छोर था उस तक ना पहुंच पाए, बाहर आ गए, बोले नहीं मिला। तब विभीषण जी ने कहा भैया भीम, जो महाभारत का युद्ध हो रहा है उस युद्ध में इतने बड़े योद्धा नहीं है। तो भीम भैया बोले कितने बड़े? बोले तुम जिस कुंड में नहा के आए हो ये कुंड नहीं है, ये हमारे भैया की खोपड़ी है, पानी भर गया है। जिस खोपड़ी का तुम और छोर ना ढूंढ पाए, सोच लो कि वो भैया हमारे कितने बड़े रहे होंगे। कौन भैया है ये जरा बताओ आप लोग? कुंभकर्ण। ये कौन भैया है? कुंभकर्ण की खोपड़ी पड़ी है यहां और तुम डूब गए, तुम्हें छोर नहीं मिला। ऐसे ऐसे योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था राम रावण के युद्ध में। तुम्हारे यहां ऐसे कोई बलवान होंगे जिनका इतना विशाल? जाओ बच्चों का खेल, जाओ अस्त्र शस्त्र दिए कुछ। भीम भैया को विदा, भीम भैया गए थे लंका सहयोग मांगने, वापिस आए। तो इतना विशाल युद्ध था राम रावण का और उस राम रावण के युद्ध में राम जी ने सारे, राम जी का पराक्रम कैसा है साहब? रावण इतना बलवान था, उस रावण को बाली ने कांख में दबाया, उस बाली को राम जी ने मार गिराया। जो जैसे मरे मारो ईमानदारी से, बस बेईमानों को, ईमानदार लोगों को नहीं, जो सही है उनको प्रणाम करो और जो गलत है उन गलत लोगों को। नीति कहती है कि जो जैसे मरे, इसलिए राम जी ने बाली को छिप करके मारा।